नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में दिखाएंगे ये जो छोटा छोटा ब्लूटूथ किट आता है, इसमें आपका ब्लूटूथ के अलावा पेन ड्राइव भी चलाना एक ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन मिलता है, मगर ये जो बोर्ड आता है, ये वाला बोर्ड और ये वाला बोर्ड दोनों अलग है। लुकिंग भी दोनों का अलग है और इसका आईसी का जो नंबर है वो भी डिफरेंट है। तो ये वाला बोर्ड के लेके बाद में एक वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में दिखाएंगे इसका जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाता है वो कौन सा कहाँ पे आपका कनेक्शन करना पड़ेगा। नॉर्मल जो कनेक्शन है वो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टूडियो है इसलिए लेफ्ट चैनल आउट ग्राउंड मिडिल में है, राइट चैनल जो है उसका आउटपुट है। और यहाँ पे आप 3.3 से 5 वोल्ट दे सकते हो, इसलिए यहाँ पे जो VCC लिखा है पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा और ये ग्राउंड है, ठीक है। और यह है DP यानी कि डेटा प्लस और DM यानी कि डेटा माइनस का पॉइंट मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसके सामने जो है वहाँ पे भी आप इसका कनेक्शन जो है वो कर सकते हो। इसके कुछ और भी फंक्शन निकाल है वही आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे इस साइड में देख सकते हो, इस साइड से देख सकते हो नंबर 2 वाला जो पिन है वहाँ पे हमने एक तार को जोड़ दिया है, ये तार टूट ना जाए और यहाँ से जो डिस्कनेक्ट ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम राउंड करके रखे हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे भी और एक कनेक्शन कर सकते हो इस जगह पे, इस पॉइंट हमने हल्का सा यहाँ पे सोल्डरिंग करके रखा है। तो यहाँ पे एक वायर लगाएंगे और इसके साथ एक एलईडी जो है, ये देखो ये एलईडी, इसको साउंड के साथ ये ब्लिंकिंग करेगा। तो कनेक्शन करके दिखाएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है। और एक इस स्विच को हम यूज़ करेंगे, ब्लूटूथ चलेगा तब, और जब पेन ड्राइव लगाएंगे तो पेन ड्राइव से ब्लूटूथ और ब्लूटूथ से पेन ड्राइव को स्विच करने के लिए, स्विचिंग करने के लिए ये स्विच को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड पिन जो है, यहाँ पे हमने जो वायर को रखे हैं इसके जो वायर है इसके साथ स्विच को कनेक्शन करेंगे और दूसरा कनेक्शन लेंगे यहाँ पे ग्राउंड जो है उसके साथ, ठीक है। और दोस्तों पेन ड्राइव को अगर लगाना चाहते हो तो पेन ड्राइव को अगर ये जो सॉकेट है फीमेल सॉकेट जो देख रहे हो, तो इसका पिन को ऊपर में रखना है आपको। ये देखो ये जो पिन है देख रहा है अंदर का, ये ऊपर कर रखना है। और इसको रखते हुए आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस वोल्टेज यानी कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, और यहाँ पे डेटा माइनस और डेटा प्लस, माइनस जहाँ पे है उसके बगल में ही आपको डेटा प्लस रखना है और यहाँ पे डेटा माइनस, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। तो अभी इसका कनेक्शन जो है वो करेंगे, और ये जो ब्लूटूथ चिप है इसको चलाने के लिए हम 5 वोल्ट की यूज़ करेंगे। तो चलिए कनेक्शन करके आप लोगों को इसका जो फंक्शन है उसको चला के भी दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे TDA2030 जो आईसी है उसको एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे LM7805 एक आईसी लगा दिए हैं, और क्योंकि 5 वोल्ट चाहिए हमको। और इंस्टेंट डीसी को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे हमने 220 माइक्रोफेरेट 25 वोल्ट के कैपेसिटर लगा दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एलईडी लिए हैं और एलईडी का पॉजिटिव पिन के साथ 220 ओम रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन पूरा हो चुका है। यहाँ पे पेन ड्राइव के लिए डेटा प्लस और डेटा माइनस को हम पेन ड्राइव के साथ कनेक्ट कर दिया, और पेन ड्राइव का जो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे VCC से लिए हैं, और माइनस वोल्टेज हम GND जो लिखा है यहाँ पे ग्राउंड से लिए हैं, और एक चैनल का आउटपुट किए हैं, इसलिए आपका ग्रीन वायर जो ये ऑडियो आउट हो जा रहा है, ये जा रहा है एम्पलीफायर में। फ्रंट साइड से दिखाते हैं बोर्ड को। दोस्तों फ्रंट साइड में यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्विच है यहाँ पे एक तार लिया है, इसको हम एक स्विच के साथ कनेक्ट किए हैं, और ये स्विच यहाँ पे है, ये वाला स्विच है। तो इसका जो स्विच है वो ये इसका कनेक्शन यहाँ से लिए हैं, और दूसरा करंट कनेक्शन हम ग्राउंड से लिए हैं। और दोस्तों म्यूजिक का ताल के साथ एक डांसिंग एलईडी के लिए ये जो वायर है हम यहाँ से लिए है, ये जो पीने जा रहा है यहाँ पे, ये लास्ट में जो जा रहा है इसका, इसको लिए हैं। और दूसरा जो पॉइंट है ग्राउंड, हम बोर्ड के जो ऑडियो और लेफ्ट राइट का मिडिल में जो ग्राउंड है उससे लिए है, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी ग्राउंड मिल जाता है आपको, तो बोर्ड का ग्राउंड से नहीं, यहाँ से हमने लिए है। और वो एलईडी है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो एलईडी है, और एलईडी के साथ 220 ओम एक रेजिस्टेंस लगा दिए। तो दोस्तों अभी ऑन करेंगे सिस्टम को, देखिए यहाँ पे जैसे ऑन किया ये म्यूजिक देखिए ब्लिंक कर रहा है, ये पेन ड्राइव से चल रहा है, और यहाँ पे मोबाइल है। जैसे ही ये वाला जो स्विच को एक बार प्रेस करेंगे ब्लूटूथ में स्विच हो जाएगा। तो प्रेस कर दिए, अभी देखिए ब्लूटूथ में चला जाएगा। तो ब्लूटूथ में चला गया, अभी ब्लूटूथ का जो म्यूजिक है उसे प्ले कर देते हैं। तो इसको हम प्ले कर दिए,
ये देखिए, ये म्यूजिक अभी आपका फोन से बज रहा है और ये फोन का ब्लूटूथ से ये कनेक्टेड है। और ये जो एलईडी है म्यूजिक के साथ ये ब्लिंकिंग कर रहा है, देख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे और एक बात, एक म्यूजिक को पॉज कर लेते हैं एक बार। जब ब्लूटूथ का म्यूजिक चलेगा और आप पेन ड्राइव में स्विच करना चाहते हो, तो ये वाला स्विच जो है 2 सेकंड के लिए आपको प्रेस करके रखना है, 1 2, तभी आपका पेन ड्राइव में चला जाएगा। और ब्लूटूथ में स्विच करने के लिए बस हल्का सा एक बार प्रेस कर देने से चला जाएगा। तो अभी देखिए ब्लूटूथ में चल रहा है, अभी पेन ड्राइव को स्विच करेंगे तो इसको 1 2 बार प्रेस, मतलब कि 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, 1 2, पेन ड्राइव पे चला गया और ये ब्लूटूथ अभी डिसकनेक्ट हो गया, ये देख सकते हो। और इसको हल्का से एक बार प्रेस करेंगे फिर से इसमें चला जाएगा। ये देखिए ये फोन का ब्लूटूथ जो है वो पकड़ लिया, ये देखिए। तो फिर से बस 2 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं, ये देखिए अभी ये इसमें चला गया। ठीक है, ये देखिए इसको खोल देंगे तो बंद हो जाएगा, बंद हो गया। खोलने से तो ऑटोमेटिक ये काम करेगा ब्लूटूथ और ये। और अगर आप दोनों पेन ड्राइव और ब्लूटूथ दोनों करके रखना चाहते हैं एक साथ, तो ये स्विच को लगाएं और इसको यूज करें। ये देखिए अभी फोन पे चला गया। ठीक है, तो दोस्तों ये का जो कनेक्शन है यूट्यूब में किसी ने नहीं देखा था। मैं एक वीडियो देखा था जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि पेन ड्राइव को कैसे कनेक्ट किया जाता है, मगर ये स्विच है और ये एलईडी जो म्यूजिक के साथ ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका सेटिंग किसी ने नहीं दिखाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।